लेसन 12 पढ़ेंगे। लेसन 12 है हमारा कठोर कर्म। पाठ का नाम जो है वो है कठोर कर्म, और इसके लेखक जो है वो काका कालेकर है, कालेकर है। कठोर कर्म एक ऐसी कहानी है जिसमें ये लेखक ने बताया है कि कैसे अपने खानदानी इज्जत और सम्मान को बचाने के लिए व्यक्ति जो है परिस्थिति आने पर भी आगे बढ़ करके कोई दूसरा काम नहीं कर पाता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ये दिखाए हैं और साथ ही उपाय भी सुझाया है कि परिस्थितियां आने पर व्यक्ति को परिस्थिति के अनुसार ढल करके कार्यों को करना चाहिए, अपने पुस्तैनी पुरखों की जो खानदानी इज्जत और सम्मान और परंपरा है उसके आधार पर हमेशा नहीं चला जा सकता। परिस्थितियां जो हैं वो बदलती रहती हैं और व्यक्ति जो है वो परिस्थितियों का प्यास होता है, परिस्थितियां जो कराती हैं व्यक्ति को वो करना ही पड़ता है। वो बहुत दिनों तक परिस्थितियों के आगे अपने खानदानी या जो कहा जाता है पुरखों का जो मान सम्मान है उसको नहीं रख पाता है, वो समय के अनुसार ढलना पड़ता है। हम ये इस कहानी में यही जो है वो लेखक बता रहे हैं। देखिए, कई बार व्यक्ति अपनी खानदानी इज्जत की आड़ में वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पाता है। खानदानी इज्जत और सम्मान की आड़ में क्या होता है कि वास्तविकता क्या है, आज क्या, आज हमारी स्थिति क्या है, इस चीज को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तब वो शोषण का शिकार होने लगता है, शोषण का शिकार होने लगता है, अर्थात लोग उसका शोषण करने लगते हैं, उसका फायदा उठाने लगते हैं। बेहतर यही है कि वास्तविकता को पहचान कर और उसके अनुसार ही कार्यों को किया जाए। इसी संदेश को काका कालेकर ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताया है। आइए देखते हैं कहानी क्या है। किसी शहर में एक कुलीन परिवार रहता था। कुलीन यानी प्रतिष्ठित परिवार, धनवान मान सम्मान वाला एक परिवार रहता था। उसमें चार भाई थे। परिवार की जायदाद धन दौलत बर्बाद हो चुकी थी। पहले वो कुलीन थे, प्रतिष्ठित थे, धनवान थे, मान सम्मान भी बहुत ज्यादा था उनका गांव में, लेकिन क्या हुआ कि समय के साथ जो है उनकी धन दौलत जो है वो बर्बाद हो गई थी। चारों भाई हुनरमंद थे, सभी कुशल थे, पढ़े लिखे थे, योग्य थे, लेकिन फिर भी वो अपनी पुरानी खानदानी इज्जत के कारण कहीं नौकरी पेशा नहीं कर पा रहे थे, कोई काम नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में ये लग रहा था कि हम इतने बड़े खानदान से हैं तो हम किसी के यहाँ जाकर नौकरी कैसे करेंगे, हम छोटे छोटे मोटे काम कैसे कर पाएंगे, ऐसे करने से हमारे खानदान की इज्जत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। ये सोच जो है उनके अंदर बैठ गई थी। घर की हालत जो है वो दिनों दिन खराब होती जा रही थी। आर्थिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी, यहाँ तक कि खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे थे। घर की औरतों की जो पुश्तैनी जेवर थे वो भी चोरी छिपे कम दामों में बिक चुके थे। स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। औरतों का सारा जेवर भी लुके छिपे कम दामों पर उन्होंने बेच डाला। आखिर एक दिन ऐसा आया कि घर में कुछ भी ना बचा, घर में कुछ भी नहीं बचा और खाने पीने के लाले पड़ने लगे। अब क्या किया जाए, बहुत परेशान थे। उनके घर के पास बगीचे में एक सहजन का पेड़ था, सहजन का एक बड़ा पेड़। सहजन आपने देखा होगा, गांव अगर गांव से आप अगर आपका ताल्लुक है तो आप देखे होंगे, सहजन का एक बड़ा वृक्ष होता है, पेड़ होता है, और उसमें लंबी लंबी सहजन की फलियां लटकी होती हैं। मार्केट में भी सहजन मिलता है जो ला करके आप सब्जियां बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये सहजन का पेड़ था और वहाँ जो है ये इन भाइयों में से कोई एक भाई शाम होने के बाद धीरे से पेड़ पे दबे पाँव चढ़ता था और सहजन की फलियों को तोड़ लेता था। गए रात जो है कुजड़िन आती थी, कुजड़िन जो सब्जियाँ बेचती हैं वो आती थी और उनसे सहजन खरीद ले जाती थी। अब इनके जीविका निर्वाह का यही एक माध्यम था सहजन का पेड़। सहजन की फलियाँ बिकती थी और उससे जो कुछ आता था उसी से इनका जीविका चलता था, अर्थात इनकी भोजन पानी की व्यवस्था जो है वो सहजन के बिकने से जो पैसे आते थे उसी से चलता था। हरी हरी सहजन की फलियां डालियों पर लटक रही थी जब शाम
शाम हो जाती तो वो ये लोग सन्नाटे का अवसर उठा करके उसको तोड़ते और कुछ को बेच देते थे। दिवाली के बाद इससे थोड़े से जो पैसे मिलते थे उससे इनका खर्च चल जाता था। कुछ दिन बाद दीपावली के बाद एक दिन उनका एक रिश्तेदार उनके यहाँ आ गया। दीपावली का त्यौहार बीता और उसके बाद उनके घर उनका एक रिश्तेदार आ गया। उसे इन लोगों की बुरी दशा की जानकारी ना थी। रिश्तेदार जो है इनकी स्थिति के बारे में नहीं जानता था। जब भोजन तैयार हुआ तो बड़े भाई ने जो है वो बहाना बना लिया कि आज मेरा सोमवार का व्रत है इसलिए मैं भोजन नहीं खाऊंगा। दूसरे ने कहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है और डॉक्टर ने मुझे भोजन करने से मना किया है। वहीं जो है तीसरे भाई ने बहाना किया कि मुझे कहीं दूसरी जगह दोस्तों के यहाँ दावत में जाना है, अतः वो शरीक नहीं होगा, अर्थात वो तीसरा जो है भोजन में शामिल नहीं होगा। इस तरह से करके एक दो तीनों भाइयों ने पल्ला जो है वो भोजन से झाड़ लिया। भोजन से पल्ला झाड़ने का सही मतलब ये था कि उनके पास उतनी व्यवस्था नहीं थी कि वो चारों भाई जो है मेहमान के साथ बैठ करके भोजन कर सके। लास्ट में आया सबसे छोटे भाई की बारी। सबसे छोटा भाई घर में आए हुए मेहमान के साथ खाने बैठा। दो थालियां लगाई गई। जब दोनों जन खाने बैठे तो बूढ़ी माँ मेहमान से खाने का खूब आग्रह कर रही थी। दो व्यक्ति साथ में बैठे हुए थे, एक छोटा भाई और दूसरा मेहमान। तो ये होता क्या है कि बूढ़ी माँ जो है घर में वो बार बार मेहमान से आग्रह करती है भोजन के लिए, उनको दुरावन देती है, पूछती है, लेकिन वहीं बगल में बैठे छोटे बच्चे से वो बार बार नहीं है। और कभी वो पूछती है तो वो जो छोटा बालक है वो पहले से ही इशारा कर देता है कि नहीं अब मुझे नहीं चाहिए। इस तरह दो बार भोजन करने पर मेहमान ताड़ गया। इस तरह से जो भोजन मेहमान जो आया था, जो रिश्तेदार आया था, वो एक दो बार उनके यहाँ भोजन किया तो वो ताड़ गया कि इनकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत दयनीय है, ये लोग गरीबी के शिकार हो चुके हैं, खाने पीने की तकलीफ बढ़ गई है, फिर भी इन्हें फिक्र नहीं है। किसी तरह उस रात का खाना खा करके मेहमान बरामदे में सो गए। मेहमान जो है किसी तरह से खाना खा करके उस बरामदे में सो गया। उसने सोने का ढोंग किया, क्योंकि वो जो रिश्तेदार था, जो मेहमान था, वो सोया नहीं था, वो सोने का ढोंग कर रहा था, नकल कर रहा था कि मैं सो चुका हूँ। करीब 10 बज गए। गुजड़न आई। बड़े भाई ने बड़े सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पाँव पेड़ पर चढ़कर सहजन की काफ़ी फलियाँ तोड़ी। बहुत सारी फलियाँ जो हैं वो तोड़ी। गुजड़न जानती थी कि इस वक्त उनकी गरज है, गरज अर्थात आवश्यकता। गुजड़न को ये मालूम था कि इस वक्त इन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है, वो जो दाम देगी वही ये ले लेंगे, ज्यादा पैसा उससे ना मांगेंगे। जब बड़ा भाई टोकरी में सहजन की फलियां लेकर गुजड़न के पास आया तो उसने दाम कम कर दिए। गुजड़न ने जो है मौके का फायदा उठाते हुए सहजन की फलियों की दाम कम कर दी और कहा आजकल सहजन की बाजार में मांग नहीं है और मुझे भी बाजार में लाभ नहीं हो रहा, इसलिए मैं तुम्हें पहले इतने पैसे नहीं दूंगी। तुम्हारी गरज है तो लो, नहीं तो मैं चलती हूँ। ऐसा कह करके गुजड़न जो है आगे बढ़ने का ढोंग करने लगी। बड़े भाई ने मुंह पर हाथ रख के, गुजड़न ने मुंह पे हाथ रख करके कहा तुम जितना देना चाहती हो उतना दे दो, मगर जोर से आवाज मत करो, बरामदे में हमारे मेहमान सो रहे हैं, जाग जाएंगे। गुजड़न ने इस मौके का लाभ उठाया और फलियों का दाम और भी ज्यादा कम कर दिया। लाचार होकर के बड़े भाई को उतने ही पैसे लेने पड़े जितने गुजड़न ने दिए। थोड़ी देर में गुजड़न जो है वहां से चली गई और चारों भाई जाकर के बरामदे में चारपाई पर सो गए और खर्राटे भरने लगे। गहरी नींद में जब चारों भाई सो गए
तो रात के अंधेरे में वो मेहमान उठा और बरामदे में पड़ी हुई कुल्हाड़ी को उठाया और दबे पांव बगीचे में जाकर के सहजन के पेड़ को जड़ से काट दिया, जड़ से काट गिराया और उसी रात वो वहां से चला गया। चुपचाप से जो है वो उठ करके चला गया। सवेरा हुआ, बड़े भाई ने उठकर देखा कि मेहमान बरामदे में नहीं है और बगीचे में सहजन का पेड़ जो है वो गिरा पड़ा हुआ है। अब तो ये हुआ कि घर को सहारा देने वाला जैसे एक बड़ा बुजुर्ग होता है, वो उसको कुछ हो जाए तो घर में मातम छा जाता है, उस तरह सहजन के पेड़ के कट जाने पर उस परिवार में मातम छा गया। बूढ़ी माँ ने कहा कि वो हमारा रिश्तेदार हितैषी नहीं, वो तो हमारा दुश्मन था, हमारे हमारी एकमात्र जीविका का आधार जो ये सहजन का पेड़ था उसको भी काट गया। वो अगर हमारा हितैषी होता तो दो चार मन अनाज दे करके जाता, न कि सहजन के पेड़ को काट करके चला जाता। चुपचाप हमारे घर 8-10 मन अनाज भेज देता, ये सोच रही थी बुढ़िया। सहजन के पेड़ को ही वो व्यक्ति काट करके चला गया। बड़े भाई ने बुढ़िया से कहा, अम्मा जब तक हमारा बस चला तब तक घर की पुश्तैनी इज्जत हमने बचाई। और बड़े भाई ने जो है माँ से कहा कि जब तक हो सकता था तब तक हमने घर की पुश्तैनी इज्जत को बचाया, लेकिन अब बिना नौकरी के ये काम नहीं चल सकता। आगे गुजारा चलना जो है वो मुश्किल हो रहा है। अब जो है गुजारा कैसे चलेगा, कहीं ना कहीं काम ढूंढने जाना ही पड़ेगा। बड़े भाई ने माँ से ये बात कही। उसी बस्ती में चारों भाई की अब जो है ये खानदानी भी थे, पुश्तैनी भी थे और इनका व्यवहार भी अच्छा था, तो हुआ ये कि उसी बस्ती में चारों भाई भाई की अच्छी इज्जत और खानदानी ईमानदार होने के कारण लोग इन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिए। बड़े भाई को एक उसी बस्ती के धनी मनी व्यक्ति ने हिसाब किताब रख करने के लिए रख लिया और बाकी तीन भाइयों ने भी काम धंधा ढूंढ करके काम करना शुरू कर दिया। हुआ ये कि जब चारों भाई मिलकर के काम करने लगे तो धीरे धीरे इनकी स्थिति जो है वो सुधर गई और इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई। घर में अब दूध दही की कोई कमी नहीं थी, खाने पीने के सामान पर्याप्त मिलने लगे। तो जब ये काम करने लगे तो इनकी स्थिति जो है वो पहले से बेहतर हो गई। एक साल हो गए, चारों की हालत बहुत अच्छी हो गई थी, घर का कामकाज भी ठीक से चलने लगा था, घर में दूध घी की कोई कमी नहीं थी। दूसरी दिवाली आई, देखिए एक साल बाद फिर से दोबारा जब दिवाली का त्योहार आया तो वही मेहमान फिर से उनके घर आया। उसने कबूल किया कि आंगन का वो पेड़ उसी ने कुल्हाड़ी से काट दिया था। उस कठोर कर्म के पीछे उसके दिल में नेक नियत थे। उस मेहमान ने खुद स्वीकार किया कि आंगन में पड़ा जो सहजन का पेड़ था उसे मैंने ही काटा, इसके पीछे, इस कठोर कार्य के पीछे मेरी एक नेक नियत थी, अच्छी सोच थी कि यदि ये एकमात्र सहारा जो है जो आपको काम करने में रोक रहा है इसको अगर मैं हटा देता हूँ तो आप काम करोगे और आपकी स्थिति जो है धीरे धीरे सुधर जाएगी। घर के लोग भी ये अच्छी तरह जान गए थे। उन चारों भाइयों ने बड़े प्रेम से अपने मेहमान की खातिरदारी की और उसे विदा करते समय कहा, उस दिन आपने हमारा सहजन का पेड़ नहीं काटा, मानो हमारी काहली और बदकिस्मती को काट करके फेंक दिया। घर के लोगों ने कहा कि उस दिन आपने सहजन का पेड़ नहीं काटा बल्कि हमारी जो काहलियत है, जो डर है, जो हमारे अंदर काम न कर पाने की जो झिझक थी उसको काट फेंका आपने। अगर आप हम पर तरस खाकर 10-5 मन अनाज हमारे घर भेज देते तो हम और भी नीचे हो जाते, पूरे बुजदिल बन जाते। आपने हमारे बगीचे का पेड़ गिराकर हमारी गिरी हुई किस्मत को ही उठा दिया। लोगों ने कहा कि मेरे बगीचे के उस पेड़ को काट करके आपने हमारी गिरी हुई जो हमारी बुरी किस्मत थी, बुरे दिन थे, उसको फिर से अच्छा कर दिया, उसको फिर से ऊंचा उठा दिया। अगर दुनिया में भाई बंधु हो तो आपके जैसे हो, अर्थात कठोर कर्म करके भी हमें अच्छे राह पर
लाने वाले। बच्चों आपने देखा होगा कि घर में भी कई बार आप लोगों को कठोर करूं, जो आपके पेरेंट्स के द्वारा मिले हो, आपके गुरुजनों के द्वारा स्कूल में मिले हो, तो इन सब के पीछे कठोर दंड मिलता है या कठोर कर्म कुछ ऐसे आपके शिक्षक कर देते हैं या आपके माता पिता करते हैं या आपके बड़े आपके साथ कुछ ऐसा करते हैं जो आपको शुरू में बहुत बुरा लगता है, लेकिन उससे आपका होता क्या है, फायदा होता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ कठोर दंड मिला हो जिससे आपको कुछ फायदे हुए हैं और जिसका आप फायदा उठाए हो, तो आप इसको जरूर एक टिप्पणी के रूप में लिखिएगा और जब भी क्लास स्टार्ट होंगे तो हम उसको जानेंगे। ये कहानी जो है हमें यही शिक्षा देती है कि हमारे बड़ों द्वारा या हमारे अपनों द्वारा कुछ कठोर कार्य किए जाते हैं जो हमें अच्छे तो नहीं लगते हैं लेकिन हमारी भलाई के लिए होते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे कार्यों को करना चाहिए, कभी भी जो है पुश्तैनी खानदानी स्थिति को लेकर के पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए, वास्तविकता को समझना चाहिए और उसके अनुसार ही हमें कार्यों को करना चाहिए। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, इसके कठिन शब्दों के अर्थ याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।